अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। जो लोग करेले शौक से नहीं खाते, ये रेसिपी ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप करेले बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सब बार बार फरमाइश करके आपसे करेले पकवाएंगे। जी हाँ, प्याज करेले की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 1 kg करेलों को छील के कटर से बारीक काट लिया है। उसके बाद हमने इसमें 2 teaspoon सॉल्ट लगाया है और इसे हम तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि करेले बिल्कुल नरम पड़ जाएं और ये अपना पानी छोड़ दें। इससे क्या होता है कि करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। जो इनका कड़वा पानी है वो बिल्कुल आप अच्छे से इस तरह निचोड़ लें और बिल्कुल इन्हें खुश करके निकाल लें। करेलों का अपना जायका थोड़ा कड़वा ही होता है, लेकिन ये इस तरह बनाने से बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही आराम से बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खा लेंगे। ये देखिए, हमने बिल्कुल खुश कर लिया है, इसका पानी सारा निचोड़ के रख लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तकरीबन 1/2 cup कुकिंग ऑयल लिया है कढ़ाई में। इसके बाद जो करेले हमने निचोड़ के रखे थे वो हम इसमें फ्राई करेंगे। आज हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। इसके बिल्कुल क्रिस्पी से चिप्स हमें बनाने हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे हम इन करेलों को। इसे जितना अच्छा आप फ्राई करेंगे उतने ही ज़्यादा इनकी कड़वाहट निकल जाएगी। ऑलरेडी हमने इसमें से पानी इतना ज़्यादा खुश कर लिया है, जो कड़वा पानी है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसका और ज़्यादा पानी खुश्क हो जाएगा और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। देखिए, इस तरह चमचे से हम हिला हिला के हर साइड से इसे अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक और मैं आपके साथ सीक्रेट टिप शेयर करती चलूं कि करेले अगर आपको बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट बनाना है और आप इन्हें जो है वो नमक लगा के नहीं रखना चाहते हैं 2 घंटे तक और आपको बहुत जल्दी रेडी करने हैं, तो आप सिर्फ जस्ट इस पे नमक लगाएं और उसके बाद इसे 2 घंटे तक छोड़ने के बजाय आप इन्हें माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट तक चला दें तो करेले अपना पानी फ़ौरन ही छोड़ देंगे और फिर आप उन्हें निचोड़ लें और अच्छे से खुश करके आप उनको फ्राई करें तो भी वो बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। करेले अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं तो हम इन्हें इस तरह से निकाल लेंगे। फिर इसी ऑयल में मैंने एक बड़े साइज की प्याज काट के रखी थी, वो मैं इसमें फ्राई करूंगी। इसके साथ ही मैंने 1/2 teaspoon मेथी दाना इसमें ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही खट्टा मीठा सा इसमें जायका आएगा। याद रहे कि हमें प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गहरा कलर नहीं देना है, वरना इसमें कड़वाहट आने लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी करेले में भी थोड़ी सी कड़वाहट होती है। तो हमें बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज को फ्राई करना है। इसके बाद 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने क्यूब्स में कट करके रखे थे, वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छा सा प्याज टमाटर का मसाला भून लेंगे। इसके बाद इसमें मसाले शामिल करने से पहले हम इसके अंदर तकरीबन 1/4 cup पानी ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इसमें मैं 1 teaspoon सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1/2 teaspoon ज़ीरा ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अच्छे से इसे भून लें। देखिए, मसाला हमारे पास भुन गया है, टमाटर भी बिल्कुल गल गए हैं। इसके बाद जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद 2 दरमियाने साइज की प्याज मैंने बारीक काट के रखी थी, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट तक तेज आंच पे पका लेते हैं। इसके बाद इसे ढक के हम दम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे। मज़ेदार प्याज करेले तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।